नमस्कार। गोपालगंज गोलीकांड की गूंज बिहार की सियासत को लॉकडाउन में खूब सुनाई दे रही है। जिस जदयू विधायक पप्पू पांडे को गुंडा बताकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में मार्च की बात कही थी, वहीं जदयू विधायक कवि तेजस्वी और उनके पिता लालू यादव के करीबी रहे हैं। ये बातें हम नहीं, ये तस्वीरें कह रही हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को लॉकडाउन के बीच गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं मिली। इसको आपको जो कार्रवाई करना है आप करें, लेकिन हम सर हम लोग अनुमति नहीं प्रदान किए सर, हम लोग अनुरोध है इस यात्रा को स्थगित किया जाए। मगर वायरल हो रही ये तस्वीरें ये सवाल खड़े कर रही हैं कि जब जदयू विधायक से उनकी नजदीकियां थी और जीत के बाद तेजस्वी बधाई देते नजर आए थे, उस वक्त क्या वे पप्पू पांडे की आपराधिक पृष्ठभूमि को नहीं जानते थे? तब क्या उनमें गुंडा वाली छवि नहीं दिखती थी? या फिर तब वे उनके साथ थे और उन्हें पसंद आते थे? राजनीतिक गलियारे में विधायक पप्पू पांडे की लालू परिवार से नजदीकी किसी से छुपी नहीं है। वे कभी लालू परिवार के खास हुआ करते थे, मगर राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और आज चुनावी साल में कभी साथ रहने वाले पप्पू पांडे तेजस्वी परिवार के लिए गुंडा हो गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपराधी को सजा न मिले, हम बस इतना चाहते हैं कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो आपके साथ रहे या फिर आपके खिलाफ। बहरहाल तस्वीरें बता रही हैं कि विधायक पप्पू पांडे की तेजस्वी यादव से भी खूब जमती थी। यही वजह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात और मंथन वाली तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। सोशल मीडिया में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव और पप्पू पांडे का ये रिश्ता क्या कहलाता है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि गिरगिट से भी ज्यादा रंग तो ये राजनेता बदलते हैं, जब जैसा तब तैसा, इन नेताओं से सीखिए। आपको बता दें कि पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 24 मई रविवार की शाम को गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के रूपनचक गांव में जेपी यादव, उनके पिता महेश चौधरी, मां सांकेतिया देवी और भाई शांतनु यादव पर बाइक सवार चार अपराधियों ने फायरिंग की थी। महेश और उनकी पत्नी संकेतिया देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी। जेपी यादव और शांतनु गंभीर रूप से घायल थे। गोरखपुर में इलाज के दौरान शांतनु की भी मौत हो गई। जेपी यादव का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। इस मामले में जेपी यादव के बयान पर कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, उनके भतीजे जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे, भाई सतीश पांडे और एक अज्ञात के खिलाफ हथुआ थाने में केस दर्ज किया गया। सोमवार को पुलिस ने विधायक के नया गांव तुलसिया स्थित आवास पर छापेमारी कर मुकेश पांडे और उनके पिता सतीश पांडे को गिरफ्तार कर लिया। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको पल पल के खबरों से रूबरू कराते रहें।